की जाएगी। नए आवेदन के लिए 15 सितंबर को 10 लाख रुपए सरकार दे रही है। व्यक्ति इंटर पास होना चाहिए। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत 8000 आवेदनों का चयन निर्धारित न के लिए 4000 लाभुक चयन किया जाएगा। देखिए कैटेगरी वस्त्र चर्म खाद्य प्रसंस्करण या उच्च प्राथमिक क्षेत्र प्रशिक्षण ले सकते हैं, जो भी आपको क्षेत्र में आपको जाने का मन हो। जांच घर, मेडिकल जांच घर अगर कोई खोलना चाहते हैं, झांसे में नहीं पड़िए, कोई भी साथी इस झांसे में नहीं पड़िए। क्यों? क्योंकि यह 100% क्या सिस्टम होता है, यह 100% लॉटरी सिस्टम होते। इसमें चार प्रकार से आवेदन होता है। सबसे पहले तो युवा उद्यमी योजना, उद्यमी वाले को ब्याज नहीं लगेगा। महिला सबको ब्याज साल का आपको किस्त बना दिया जाएगा 10 लाख रुपए का, ठीक है। साथियों नमस्कार, मैं बलराम और आप लोग देख रहे हैं ब्रेस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है। तो सरकार के द्वारा लोगों को, हमारे बिहार के युवाओं को 10 लाख रुपया दिया जाता है लोन। किस लिए? तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत बिजनेस, रोजगार, व्यापार करने के लिए। देखिए अब जो 10 लाख रुपया दिया जाता है, तो पिछले 2021-2022 से ऐसे पिछले वर्षों में भी था, लेकिन 2021 से यह खास करके लोगों में बढ़ चढ़ करके सरकार ने इसको बड़े पैमाने पे इसको विस्तारित किए। अब उस समय से लगातार लोगों में सरकार इसका जागरूक कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा भी लिए हैं। आपको जानकारी होगा कि हम भी इसके तहत एक बिजनेस हम भी स्थापित किए हैं। तो देखिए कल मुख्य संदीप पौंडरिक का ये ट्वीट है, जो कि मुख्य अभी उद्योग विभाग के वर्तमान में सचिव है, ठीक है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए विस्तृत विवरण, योग्यता, आवेदन के तरीका, ट्रेड की सूची, कैटेगरी इत्यादि, ट्रेड की सूची प्रोडक्ट कॉस्ट के साथ और विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। नए आवेदन के लिए 15 सितंबर से 30 सितंबर 2023 तक खुला रहेगा, जान लीजिए। यह संदीप पौंडरिक जी है, हमारे उद्योग विभाग के वर्तमान में सचिव जी, और इनका कल एक ट्वीट आया जिस ट्वीट पे लिखा हुआ था कि अभी जो है ना फिलहाल 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक नया मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदन लिए जाएंगे। अब देखिए बहुत सारे साथी हमसे पूछ रहे थे कि सर जो है ना हमको भी इसमें बिजनेस करना है तो हम भी कैसे ले सकते हैं। तो देखिए अभी जो वर्तमान में 15 सितंबर से जो 30 सितंबर तक जो ऑनलाइन होगा, तो यह ऑनलाइन प्रक्रिया होगा, ठीक है। अभी इसमें आपको जो भी कागज योग्यता, जो भी कागज इसमें दिया गया है, अभी हम आपको बता देंगे, ये सारा आप डॉक्यूमेंट अपना जो है ना कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार के परेशानी नहीं हो भरने में। जो लोग इच्छुक हैं, अब जो लोग इच्छुक नहीं हैं वे लोग इससे दूरी बना के रखिए, क्योंकि आप अपने काम में ही भी बेटर कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है। सबसे पहले इसके बारे में संक्षेप में जानकारी ले लेते हैं। देखिए सरकार के द्वारा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत यह मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चलाया गया है, जिसमें बिहार के युवाओं को 10 लाख रुपये सरकार दे रही है, ठीक है। अब 10 लाख रुपये दे रही, तो इसके लिए मिनिमम योग्यता क्या चाहिए? सबसे पहला योग्यता होनी चाहिए वो 18 वर्ष से लेकर के और 50 वर्ष तक के बीच का व्यक्ति होना चाहिए। 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष के बीच तक का आदमी है तो वे इस योजना का आवेदन कर सकते हैं। दूसरा का नंबर योग्यता इसमें यह होना चाहिए कि कम से कम व्यक्ति इंटर पास होना चाहिए। इंटर पास होने के बाद ही उनको यह योग्यता मिलेगा। और उसके बाद बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, इस बात को याद रखिया गया, बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। और जान लीजिए इस कैटेगरी के अंतर्गत इस बार भी 8000 आवेदन चुने जाएंगे। कितना? 8000। जान लीजिए 2021 में जो था, 2021 में 16000 आवेदन चुना गया था, 2022 में भी था, 2022 में 8000 आवेदन लिया गया था, लेकिन 2021 में स्वतंत्र था, 2022 से जो है ना इसको लेकर के जो है ना कुछ जो है इसके मतलब कैटेगरी अलग अलग निर्धारित कर गया है। कैटेगरी क्या निर्धारित किया गया है उसको अभी हम जरा बताते हैं। तो इस ट्वीट को अब हम हटा करके दूसरा एक पेज लेते हैं, जिसका सबसे पहला हमारा पेज होगा। तो यहाँ पर हम देखिए, तो इसमें बहुत सारे आपको बात यहाँ पे दर्शाया गया है। चलिए इसको सबसे पहले जानते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24, इसमें लिखा हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत 8000 आवेदनों का चयन निर्धारित लक्ष्य के आधार पर किया जाना है। कैटेगरी ए, बी और सी के रूप में विभाजित किया जाएगा। और देखिए इसके बाद इसमें बता दिया गया, आवेदक द्वारा गलत कैटेगरी चयन कर लेने के बाद आवेदन को पुनः संशोधित करने का कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा। जिससे जिलों में परियोजना कार्य स्थापित करना चाहिए उसी जिले में निवास स्थान होना चाहिए। देखिए अब इसको जरा डिटेल में हम लोग जानते हैं, जरा डिटेल में क्या जानते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर कोई आवेदक आवेदन करने जा रहे हैं तो जान लीजिए उनको सबसे पहले अपना कैटेगरी निर्धारित कर लेना चाहिए कि हम किस कैटेगरी का बिजनेस करेंगे, ठीक है।
क्यों उनको कैटेगरी निर्धारित, क्योंकि बाद में इसको जो है ना बदलने की कोई सुविधा नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जिस जिले का आप अस्थायी निवासी हैं उसी जिला में आप अपना बिजनेस का स्थान दीजिएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई परेशानी बाद में नहीं हो कि हाँ जगह बदलने का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, जगह बदलने का कभी भी ऑप्शन नहीं दिया गया था। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं क्या चीज़ों का, तो इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो मेरा अब अगला पॉइंट है कि कैटेगरी ए 58 परियोजना के लिए 4000 लाभुक चयन किया जाएगा। देखिए कैटेगरी ए अभी हम बताएंगे, तो कैटेगरी ए से भी 58 परियोजना है और उसमें 4000 लाभुकों का चयन किया जाएगा, मतलब उसमें से 4000 लोगों को उसमें लोन दिया जाएगा। कैटेगरी बी में चर्म वस्त्र एवं खाद्य प्रसंस्करण और प्राथमिकता क्षेत्र के 3500 लाभुकों का चयन किया जाएगा। और उसके बाद कैटेगरी सी आता है बियाडा के औद्योगिक क्षेत्र, बियाडा के मतलब जो लोग औद्योगिक एरिया में रहते हैं, तो वहाँ पे बियाडा है, मुजफ्फरपुर में इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इस सब में के 500 लाभुकों को जो इसमें आवेदन करेंगे तो वैसे 500 लाभुकों का इसमें चयन किया जाएगा। और जिलावार न होकर पूरे राज्य के लिए है, जान लीजिए कैटेगरी सी के लिए जो लक्ष्य है वो पूरे राज्य भर के लिए है, पूरे राज्य भर से 500 लोगों का चयन किया जाएगा, ज़रूरत नहीं है कि मुजफ्फरपुर जिला, जिलावार इसमें निर्धारित नहीं किया जाएगा। और आगे आप देखिए, एक आवेदन अपने आधार के माध्यम से किसी एक कैटेगरी में ही कर सकते हैं, एक आधार पर कितने आप कैटेगरी आवेदन कर सकते हैं, तो एक कैटेगरी में। देखिए कैटेगरी ए के जो 58 को क्षेत्र है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 58 को पूरे का पूरे 58 को क्षेत्र का विवरण दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको जो है ना वीडियो को रोक करके और इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको पूरे अच्छे से आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, क्योंकि अगर हम बताएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, आपको बताते हैं, जो कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबा भी नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद दूसरे के पेज में भी इसका कुछ दिशा निर्देश दिया गया है कैटेगरी बी में। देखिए कैटेगरी बी जो है हमारा वस्त्र चर्म खाद्य प्रसंस्करण या उच्च प्राथमिक क्षेत्र के सभी प्रौद्योगिकी क्षेत्र, मखाना प्रोसेसिंग, बेकरी उत्पादन, बिस्कुट, चॉकलेट इत्यादि, ये सब चीज़, आटा बेसन, ये सब चीज़ कैटेगरी बी में आता है। ठीक है, और कैटेगरी बी में भी लगभग 24 गो बिजनेस है, कैटेगरी बी से भी आप आवेदन कर सकते हैं। बियाडा क्षेत्र, बियाडा के मतलब औद्योगिक क्षेत्र वाले लोगों के लिए इसमें दिया हुआ है कि मात्र कितने हैं, 5 इसमें आइटम रखा गया है कि 5 आइटम में के लोग बिजनेस इसमें कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सब का नाम। अब देखिए इसका दिशा निर्देश क्या है, हमारा मकसद है आपको दिशा निर्देश बताना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी सी के बारे में भी दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ देखिए तीनों कैटेगरी ए बी या सी के लिए रेडीमेड गारमेंट्स या होजियरी, जो रेडीमेड का जो फैक्ट्री लगाएंगे, दुकान करने के लिए इसमें पेमेंट नहीं मिलता है, फैक्ट्री लगाने के लिए इसमें पेमेंट मिलता है। शर्ट फ्रॉक पैजामा कुर्ता ये सब चीज़ का जो लोग बिजनेस करेंगे, उसको मशीन ऑपरेटर DDU GKY दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजगार DDU GKY, जान लीजिए यह एक प्रकार का सेंटर चलता है जहाँ से गवर्नमेंट का है, 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आप यहां से प्रशिक्षण ले सकते हैं, इस बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रशिक्षण ले सकते हैं जो भी आपको क्षेत्र में आपको जाने का मन हो। ठीक है, उसके बाद यहां पे देखिए कौशल विकास का प्रशिक्षण कम से कम 4 घंटों का प्राप्त कर किए वाले अभ्यर्थी जो होंगे ना इस योजना में जो है ना वो विशेष वे अपना उम्मीदवारी रखेंगे। दूसरका आप ध्यान दीजिएगा, दूसरका मेरा पॉइंट है कि जो है अब नोट में क्या लिखा है, वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए 15 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं, यह बात सबसे इम्पोर्टेंट है। 15 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2023 तक ही मात्र इसमें आवेदन किया जा सकता है, इस बातों को ध्यान दीजिएगा। 15 सितंबर 2023, ध्यान दीजिए 15 सितंबर 2023 कहने का मतलब हुआ जो आने वाले 15 दिन जो हमारा बचता है बीच का, अभी हमारा 15 दिन जो बचा हुआ है। ठीक है, आज हो गया करीब 2 सितंबर, ठीक है 2 सितंबर हो गया, अब 15 तारीख में मात्र 13 दिन बचा हुआ है, और 13 दिनों के अंदर ही इसका कागजात आपको कंप्लीट कर लेना पड़ेगा, जो नॉर्मली कागजात है, कोई बड़ा कागजात का प्रेशर भी नहीं है कि कोई बड़ा कागजात होगा जिसमें परेशानी आ जाएगा। और इस बातों को ध्यान दीजिएगा कि अब अगला मेरा जो मुख्य बात है,
प्रशिक्षण संस्थान जो किसी व्यक्ति या विस्तृत परियोजना के आधार पर DPR नहीं दिया जाएगा। जान लीजिए जो व्यक्ति अपना उसका योजना बनाते हैं उसका DPR, अभी आप लोगों को DPR माइंड में नहीं जाएगा, DPR पे अभी आप कोई आपको क्वेश्चन नहीं, मतलब कोई भी आपको निर्णय नहीं लेना है, DPR बाद में वो सब देखा जाएगा जब चयन हो जाएगा तब, पहले आवेदन। मेडिकल जांच घर अगर कोई खोलना चाहते हैं, केला रेशा निर्माण का, केला के जो रेशा से जो वस्त्र बनता है उसको, इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण इकाई और डिजाइनर प्रोडक्ट, कोई भी PVC प्रिंटर या लेजर कटिंग मशीन के साथ और डिजाइनर गेट ग्रिल निर्माण इकाई, इस प्रकार की कोई भी परियोजना अगर आप करना चाहते हैं तो उसको उद्यमी, उसका प्रमाण पत्र आपको उद्यमी पोर्टल पर आपको अपलोड करना पड़ेगा, उद्यमी का पोर्टल जो है उस पर आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अब यह पेज मेरा कंप्लीट हो गया, अभी और दो पेज है जिसमें कि कुछ पॉइंट और भी दर्शाया गया है आपको हम बताते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। और उसके बाद जो हमारा चौथा पॉइंट है उसको ज़रा गौर कीजिएगा, चौथा पॉइंट है कि प्रायः ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई है कि योजना के लाभुक फ्रॉड कॉल के माध्यम से, देखिए बहुत सारा इसमें फ्रॉडगिरी भी होता है, लोगों को क्या कहा जाएगा कि आप लोगों को जो है ना हमारे आधार से, मतलब हमारे द्वारा आप आवेदन करवाइए, कोई भी व्यक्ति आपको बोलेगा और बोलेगा कि आपका चयन करवा देंगे और 1.5 से 2 लाख रुपया हम आपको क्या कर लेंगे, 1.5 लाख रुपया हम 1.5 लाख या 2 लाख रुपया हम आपसे लेंगे। जान लीजिए इसमें क्या कहा जाता है, ये एक्चुअली क्या होता है, तो देखिए ये 100% फ्रॉड है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, इससे पहले भी यह आवेदन होता था लेकिन इससे पहले बड़े पैमाने पे नहीं था, कुछ गिने चुने लोग इसका नाम जानते थे, लेकिन जब सरकार इसको लेकर के जागरूक हुआ तो सरकार इस पर बहुत सारा काम किए, तो अब जा करके इस पर काम हो रहा है। अब देखिए इस पर लाभुकों द्वारा, लाभुकों को कहा जाता है कि आपको 1.5 से 2 लाख रुपया देना पड़ेगा और फिर आपका चयन हम 100% करवा देंगे। जान लीजिए कोई भी साथी इस झांसे में नहीं पड़िए, कोई भी साथी इस झांसे में नहीं पड़िए, क्यों, क्योंकि यह 100% क्या सिस्टम होता है, यह 100% लॉटरी सिस्टम होता है। लॉटरी सिस्टम जान लो कि लॉटरी सिस्टम अब होता क्या है, तो जिन लाभुकों का नाम, जितने लोग आवेदन करेंगे तो जिस दिन आवेदन का तिथि समाप्त होगा उसके 2 से 3 दिनों, पिछली बार 2022 में, इस बार जो है काफ़ी जल्दी 2022 वाला प्रक्रिया काफ़ी जल्दी निपटा दिया गया था, मात्र 2 दिन में ही इसका कहानी ख़त्म कर दिया गया। और इस बार भी हम बताते हैं कि मात्र 2 से 3 दिनों बाद इस बार भी वही हम आशा करते हैं कि सरकार उतनी ही जल्दी करेगी कोई भी काम, तो 2 से 3 दिन बाद जो है ना सरकार इस पे लॉटरी के माध्यम से उसमें जिसका भी नाम आ जाता है उनका चयन होता है। इसमें कोई भी व्यक्ति किसी को किसी माध्यम से किसी का चयन नहीं करवाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर कोई व्यक्ति यह कहता है तो जान लीजिए वो आपके साथ 100% चीट करना चाहता है, वो फ्रॉड करना चाहते हैं। अब फ्रॉड कैसे करेगा सो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आप मान लेते हैं कि आप उनके द्वारा आवेदन कर दिए, उनके माध्यम से आप आवेदन कर दिए, आवेदन करने के बाद क्या हुआ कि आवेदन के वक्त आपसे 2-4-5 हज़ार कुछ भी रुपया तो लेंगे ना, जबकि आप आवेदन नॉर्मल कंप्यूटर के वाले के यहाँ जाके करवाइएगा तो 200 रुपया लगभग लेंगे, चाहे 200 से अधिकतम लेंगे तो 200-300-400 रुपया लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते क्योंकि नॉर्मल डॉक्यूमेंट भी अपलोडिंग है, ठीक है। अब मान लेते हैं आप आवेदन करवाने गए, उसी वक्त में आपसे 5 हज़ार रुपया ले लिया और कहा गया कि जब आपका चयन हो जाएगा तो आपको फिर पेमेंट, पहला पेमेंट आएगा उसमें से आपको 1 लाख रुपया देना है। जान लीजिए अब क्या है, जो व्यक्ति आपको आवेदन किए उनको तो सबसे पहले 5 हज़ार रुपया मिल गया, जबकि 2-400 में आवेदन हो जाता, 5 हज़ार रुपया मिल गया, चलिए ठीक है। अब मान लेते हैं जिन व्यक्तियों का नाम नहीं चयन हुआ उनको कहेंगे कि देखिए इस बार बहुत सारा बहाना आपको बताएंगे, पिछली बार भी हम लोग देखने को मिला था, हम लोग को ऐसा नहीं है कि नहीं मिला था, पिछली बार भी देखने को मिला था। अब देखिए जो व्यक्ति आवेदन करवाएंगे वो व्यक्ति आपसे इतना रुपए की बात कर लेंगे, 1.5 लाख 2 लाख जो भी रुपया पे बात करें कि आपका 100% जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इतना रुपया देना पड़ेगा। अब बताइए उनको जाता क्या है आवेदन कर देने में, अगर आपको मान लेते हैं लॉटरी में नाम आ गया तो वो कहेंगे कि हम करवा दिए, अगर नहीं आया तो कहेंगे कि देखिए ना मिस्टेक हो गया, आपका काम नहीं हो पाया, आप अपना पैसा ले लीजिए, 500 रुपया जो आवेदन का था वो काट लेंगे और उसके बाद पैसा वापस कर दिए थे पिछली बार भी। लेकिन अब बताइए ऐसे लोगों को झांसे में क्यों आना है, जब लॉटरी के माध्यम से आपका खुद चयन हो जाता है, अच्छे से आवेदन कीजिए सख्ती द्वारा, हम आपको बताएंगे जिस दिन आवेदन का पोर्टल खुलेगा उसी दिन हम आपको आवेदन करके भी बताएंगे, इस बातों को ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे हम आपको बताते हैं इसका क्या है, लेकिन किसी के भी झांसे में नहीं पड़िएगा, नहीं तो जान लीजिए आपको लूटने का काम कर लेगा, ठीक है। अब देखिए आगे
अब कहा गया है इसमें, इसमें कहा गया है कि उद्यमी को जो है ना लाभुकों का किसी के बहकावे में नहीं आना है, पूर्ण रूप से इसका लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा, पारदर्शी लोगों के माध्यम से। इसमें देखिए, उद्यमी योजना का लाभ प्राप्त करने के उपरांत किसी भी फ्रॉड या फर्जी बिल में छेड़छाड़ नहीं किया जाता है, वो तो पहले चयन के बाद का ही मामला है। और उसके बाद देखिए प्रक्रिया, उद्यमी योजना अंतर्गत योजना वाला अलग अलग चयन की अलग अलग प्रक्रिया, योजना की राशि निर्धारित किया गया है। देखिए सबसे पहला किस्त के रूप में जो मिलेगा चयन के, प्रथम किस्त के रूप में 1.5 लाख रुपये आवेदन को मिलेगा, आवेदक को मिलेगा। कार्यस्थल की तैयारी, बिजली कनेक्शन, अग्निशमन यंत्र, सुरक्षा को और प्रथम किस्त की उपयोगिता 60 दिनों के अंदर जमा कर देना है। अब उपयोगिता क्या होता है, सो देखिए जो सबसे पहला किस्त जो आपको पहला राशि जो मिला है, उस राशि को आप खर्च कहाँ कहाँ किए हैं, उस राशि को आप कहाँ खर्च किए हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं उपयोगिता प्रमाण पत्र। उस खर्च करने का जो हम लोग डिटेल देंगे सरकार को, उस डिटेल को हम लोग क्या बोलते हैं, उपयोगिता प्रमाण पत्र। इस बातों को ध्यान रखिएगा, लेकिन ये चयन प्रक्रिया के बाद का मामला है, ठीक है। अब आगे देखिए, मशीनरी किराए करते हुए कार्यशील पूंजी का योजना अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। देखिए मशीन खरीदने के लिए भी पूंजी दिया जाता है, तो मशीन खरीदने वक्त आपको और पूंजी मिल जाएगा, इस बातों को ध्यान रखिएगा। और उसके बाद देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मशीनरी किराए करते वक्त GST उपयोगिता प्रमाण पत्र देना होगा। GST नंबर धारण नहीं करने वाले उपयोगिता को किसी प्रकार का किराया मान्य होगा। मतलब जो व्यक्ति बिना GST का जो खरीदारी करेंगे, जो बिना खुद GST अभी नहीं लेना है, देखिए 2021 में यह परेशानी कुछ दिनों के लिए था, लेकिन बाद में इस परेशानी को समाप्त कर दिया गया। GST बिल आपका होना चाहिए, GST आपको नहीं लेना है, इस बातों को ध्यान रखिएगा। GST अगर आप ले लेते हैं तो परेशानी में फंस जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये होते हैं जिनका चयन नहीं हो पाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जो राशि का भुगतान आप कीजिएगा, जो पेमेंट आने के बाद का ये मामला है, लेकिन फिलहाल इतना ही चीज़। और इस चीज़ों के बाद हम आपको बताते हैं जो अगर चयन हो जाता है तो कुछ और पॉइंट है जो चयन से पहले की मायने रखता है। देखिए अगर मान लेते हैं कि आपका इसमें चयन हो जाएगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो 45 दिनों के अंतर्गत अपने फर्म के नाम से खाता खुलवा करके और चेक और उसका स्टेटमेंट अपलोड कर देना है। मशीनरी खरीदते समय 25% तक ही मशीनों का बदलाव अनुमान, 25% तक के आप मशीन बदल सकते हैं, वरना उससे ज़्यादा तक के मशीन आप नहीं बदल सकते। उसके बाद इसमें देखिए, इसमें एज का भी क्राइटेरिया दिया गया, 18 वर्ष से 50 वर्ष तक के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। 10+2 यानी कि इंटर पास होना चाहिए, या ITI या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जो लोग किए होंगे, ITI हमारे यहाँ एक कोर्स होता है, तो ITI भी किए होंगे, इंटर नहीं करके ITI या हमारे यहाँ डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा, ठीक है। तो अगर डिप्लोमा भी आप किए होइएगा किसी भी क्षेत्र में, तो डिप्लोमा भी करके इसका आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे का पॉइंट हम लोग जानते हैं, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति योजना, इस योजना का देखिए इसमें 4 प्रकार के आवेदन आपको लिए जाएंगे। चलिए डिटेल में हम जरा इसको हम बता देते हैं, ठीक है। अब इसको डिटेल में बताने के लिए इस पेज को हम हटा देते हैं। देखिए अब इसमें इस पेज को सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं। अब देखिए इसका क्या है, तो इसमें 4 प्रकार से आवेदन होता है। सबसे पहले तो युवा उद्यमी योजना, क्या होता है सबसे पहला, युवा उद्यमी योजना। देखिए युवा उद्यमी योजना क्या है, तो युवा उद्यमी योजना में किसी भी जाति के कोई भी उम्मीदवार महिला या पुरुष, कोई भी उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। किसी भी जाति के कोई भी धर्म के व्यक्ति, बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। दूसरा का है महिला उद्यमी योजना। देखिए महिला उद्यमी योजना में क्या है, तो महिला लोगों को कुछ आरक्षण दिया गया है, महिला लोगों को आरक्षण दिया गया है, उस आरक्षण के अंतर्गत जो है आपको आवेदन करना है। तो इसमें केवल महिला ही आवेदन कर सकती है, इसमें पुरुष व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकते हैं। जान लीजिए पुरुष वाले में महिला का अधिकार होता है, लेकिन महिला वाले में पुरुष का अधिकार नहीं होता है। केवल इसमें कौन व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं, केवल महिला। उसके बाद तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर होता है अति पिछड़ा वर्ग, ठीक है। तो देखिए इसमें अति पिछड़ा वर्ग वाला में कौन आवेदन कर सकता है, इस बात को ध्यान दे। देखिए इसमें जो महिला उद्यमी है उसमें हर जाति के हर धर्म के महिला लोग इसमें आवेदन कर सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हर जाति हर धर्म के महिला लोग इसमें आवेदन कर सकती है, ऐसा नहीं कि केवल एक जाति के केवल एक धर्म के व्यक्ति ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। अति पिछड़ा में क्या हो गया, तो इसमें केवल OBC1 वाले आवेदन कर सकते हैं, OBC1 वाले, इस बात को याद रखिएगा। अन्य जाति वाले लोग इसमें आवेदन नहीं कीजिएगा, महिला उद्यमी में कोई भी जाति वाले आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट मेरा क्या हो जाता है, तो उसके बाद जो मेरा सबसे चौथा पॉइंट जो है हमारा,
चौथा है ये क्या हो गया, एस सी या एस टी वाला। तो एस सी एस टी वाले में केवल एस सी एस टी का महिला या पुरुष कोई भी आवेदन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आवेदन प्रक्रिया हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि इसके बाद इसमें लोन सुधार मतलब सधाने का तरीका क्या है। तो देखिए, जो युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत जिनका चयन होगा उनको 1% ब्याज देना है, 1% ब्याज देना है, ये सालाना है, महीना का नहीं, ठीक है। जो भी पेमेंट आपको 10 लाख रुपये मिलता है उसका 1% ब्याज देना है, ठीक है। महिला उद्यमी वाले को ध्यान रखिएगा, महिला उद्यमी वाले को ब्याज नहीं लगेगा, महिला सबको ब्याज नहीं लगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद एससी एसटी वाले को ब्याज नहीं लगता है, एससी एसटी वाले को भी ब्याज नहीं लगेगा। बीसी वन वाले को जो है ना ब्याज लगेगा, याद रखिएगा, बीसी वन वाले को क्या होगा, ब्याज लगेगा, इस बातों को याद रखिएगा। उसके बाद अब इसका आगे का प्रक्रिया हम लोग जानते हैं कि लोन सधाने का तरीका क्या है। अगर नहीं समझे होइएगा तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं लोन को चुकाने का प्रक्रिया क्या है। तो लोन चुकाने का प्रक्रिया क्या है, जब आपका बिजनेस आपका शुरू हो जाता है, मतलब तीनों किस्त आपका कंप्लीट हो जाता है, तो तीनों किस्त कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, 1 वर्ष के बाद जब आपका बिजनेस रनिंग हो जाएगा, 1 साल तक सरकार आपको टाइम देगा, और फिर 1 वर्ष के बाद आपको जो है ना 7 साल का आपको किस्त बना दिया जाएगा, 10 लाख रुपए का, ठीक है, 7 साल का आपको किस्त बना दिया जाएगा। लगभग 6,000 रुपये के लगभग मंथली महीना का होता है, आपको 6,000 के महीना गवर्नमेंट को आपको जमा करना पड़ेगा, इस बातों को ध्यान दे दीजिए, ठीक है। अब आपको किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या होता है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइए, आपको संभव हम यह कोशिश करेंगे कि आपका वो सवाल हम आपका निरस्त कर दे, ठीक है। तो धन्यवाद, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए।